षड्यंत्र में गिरना चाहते हो, आप अपने को स्वस्थवान रखो, गमंत्र पियो, गोमूत्र पान करो, पंचगव्य लो, गौ माता का सेवा करो, प्राकृतिक खेती करो, वरना एक बार अगर उस जाल में फंस जाओगे ना, जो डाकू लोग तैयार करके रखा है कि पेशेंट को आन दे आन दे आन दे आन दे, दिल्ली में बस स्टैंड में गया ना, पीछे बोला आन दे आन दे आन दे, बोला के बोला टोक दिया, पीछे टोक दिया, अबे के बोल रहे था आन दे बोला टोक दिया ना, और के हो गया। आप जब जाते हो ना क्वाक के पास तो बोलते आन दे दवाई देते जा बोले आन दे बोला क्या हुआ बोले 10 लाख। आपको पता नहीं इधर क्या बड़े बड़े नर्सिंग होम है, हमारे तरफ है यंग अपेलो कलिंगा, तैयार बैठे हैं डाकू लोग आन दे आन दे आन दे 12 लाख 14 लाख 20 लाख आन दे आन दे, घर द्वार जमीन बाड़ी सब बेच के आन दे। क्या चाहिए और क्या करोगे, घर का मुरब्बी अगर ऐसे ही बीमारी में है और डाकू लोग बोल दें आप ज्यादा समय नहीं 24 घंटा के अंदर ऑपरेशन के लिए तैयारी करो, क्या करोगे? डॉक्टर साहब आप करना, आपको नहीं कह रहा हूं कहीं एकदम क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये तो है ही विषय ऐसा। तो क्या चाहते हो, नोचवाना या स्वस्थ, देसी गाय या बीमारी, प्राकृतिक कृषि या जहर युक्त कृषि, चाहते क्या हो आपके हाथ में है। गांव गांव में गुरुकुल खुले, गांव में औषधि वाटिका बने, गांव में फल बगीचा बने, फूल बगीचा बने, गांव में बच्चों का स्वावलंबन केंद्र, स्वरोजगार केंद्र बने, 168 प्रकार के स्वरोजगार स्वावलंबन व्यवस्था का ट्रेनिंग हम लोग के द्वारा किया जाता है। आप युवक युवती जो भी बेकार बैठे हैं, आप डिटेल कोई ना कोई विषय लेके अपना रोजगार कर सकते हो, नौकर चाकर बनने से बचोगे। और जब आप करोगे ना, बच्चे भाषण ना दे राशन पानी, भाषण ना दे राशन पानी, जो दिखता वही बिकता, करके जब दिखाओगे ना, छोटे बच्चों को भाषण देने का जरूरत नहीं है। और भाषण से बच्चे नहीं सीखते, किताब से बच्चे नहीं सीखते, बच्चे भाषण से नहीं सीखते, किताब से नहीं सीखते, अनुकरण करते हैं। इसीलिए गांव गांव में बाल संस्कार केंद्र चाहिए, बचपन से ऐसा ज्ञान उनके अंदर अपलोड कर दिया जाए, बड़े होके नौकर चाकर नहीं बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, अपने पैर पे खड़ा होंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, कोई अतिथि आए तो उसका सेवा करेंगे, वरना क्या बोलेंगे, अतिथि तुम कब जाओगे, फिल्म बनेगी। आपको क्या चाहिए, अतिथि सेवा करना है, अतिथि देवो भव बोलना है, मातरो देवो भव बोलना है, पितरों देवो भव बोलना है, या फिर बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में भेजना है और अतिथि को घर का द्वार से भगा देना है और पूछोगे अतिथि तुम कब जाओगे। मेरे माँ बाप, अगर मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बहन, आप सबको अनुरोध है, गांव अपना है, देश अपना है, और इसके लिए गाय चाहिए, प्राकृतिक कृषि चाहिए, और सबसे ज्यादा ग्राम्य गुरुकुल चाहिए, और इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट, ना 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 ना, इसके लिए फिर स्कूल खोलो, ना 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 ना, गलत, टीचर ढूंढो। ये जितने सारे स्कूल देख रहे हो ना, इसका सबसे बड़ा शत्रु है उनका टीचर, इनसे बचना है, यही वहां पर षड्यंत्र बना लेते हैं। खुद कूट बुट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट पहन के आए और बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको चिंता रहता है पेमेंट कब मिलेगा। माफ करना अगर कोई टीचर हो, आपके विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं, आप अच्छे हो, अपना ड्यूटी निभा रहे हो, सरकारी हो, शिक्षक का निंदा करना इस गलती से मेरा कोई आसान इच्छा नहीं है, लेकिन और ये काम शिक्षकों से नहीं होगा, ये ग्राम्य गुरुकुल का काम शिक्षकों से नहीं होगा, आप मेरे छोटे छोटे बहन मेरे माताओं से होगा, आप मेरे छोटे छोटे बंधु युवा बंधुओं से होगा, नया काम करना है, नूतन प्राण चाहिए, और नया काम के लिए नया शुरुआत चाहिए, पुरातन से नहीं बनेगा। और इस काम के लिए गुरुकुल आचार्य का निर्माण करना,
गांव गांव में गुरुकुल खोलना, बाल संस्कार केंद्र खोलना, छोटे छोटे बच्चों को बचपन से उन सद्ज्ञानों को डालना ताकि वो बड़े होके गंदा नहीं हो जाए, ताश नहीं खेले, माता पिता को पीटे नहीं, दारू गुटखा बीड़ी खाए नहीं, गंदे संस्कार में पड़े नहीं, नौकर चाकर बनने के लिए शहर की ओर भागे नहीं, जमीन पे लेके अपने हाथों से जहर डाले नहीं, भैंस और झारखंड जर्सी उनका दिमाग से भागे और शुद्ध देसी गाय आए, ये तभी संभव है जब ग्राम्य गुरुकुल चलाया जाएगा। वरना बिना मतलब का अहंकार और घमंड से बोलेंगे बड़ा बड़ा घर बनाएंगे, बोला मरने के बाद रहेगा कौन? आप लोग घर का पागल नहीं बनना, मिट्टी का अपनी जो बनाए हो बनाए हो, एक कोशिश करना, नेचुरोपैथी का बात कह रहा हूं, प्राकृतिक चिकित्सा का बात कर रहा हूं, घर है मिट्टी का घर बना के एक बार रह के देखो, ज्यादा नहीं, ध्यान देना मेरा बात। नबीन पर्व के लिए, नबीन पर्व के लिए नबीन प्राण चाहिए, नबीन प्राण चाहिए, नबीन प्राण चाहिए, नबीन प्राण चाहिए, नबीन पर्व के लिए, पर्व के लिए नबीन पर्व के लिए नबीन प्राण चाहिए। दिशा कराल अटल चली, नबीन प्राण नबीन पर्व के लिए नबीन प्राण चाहिए। ऐसा करना, लोगों को दिखाने के लिए मुझ का केस दिखाने के लिए तो घर बना लिया, बहुत बढ़िया बात है। मेरा भाऊजी बोलते थे, अरे ये घर वो घर में, बोला भाऊजी ऐसा करना, मेरे लिए मिट्टी का दीवार से बना हुआ, पुआल का झाड़ से बनाया हुआ एक झोपड़ी बना देना, मैं वहां शांत। हम भूल गए हैं वो मिट्टी का घर, भूल गए हैं वो मिट्टी का घर, सीमेंट कंक्रीट मार्बल मोजाइक के घमंड में, सीमेंट कंक्रीट मार्बल टाइल के चक्कर में पड़ के हम अपने जीवन को पत्थर से दर पत्थर बना दिए, अहंकारी बन गए। ध्यान देना, मिट्टी में रहने वाला घर के लोगों को देख लेना एक बार, पास से जाके उनके अंदर बड़ा प्यार रहता है, निरोग रहते हैं, सशक्त रहते हैं। जब से ये टाइल मार्बल और सीमेंट और जला हुआ मृत ईटा आ गया, तब से हम बीमार बन गए, मानसिक बीमारी में फंस गए, एक दूसरे के पास प्यार घट गया। जानते हो, अगर कोई इधर से ब्रिज वृंदावन वगैरह से या आपके तरफ से हमारे तरफ कोई आते हैं ना, बोले कहां से आया, बोला यूपी से, एमपी से, वृंदावन से, तो गांव के गांव भीड़ हो जाते थे, अरे महाराज कैसे हो, आपका दो बार दो मीठा मीठा बात सुनेंगे, और हर गांव वाले उनको आतिथ्य के लिए बुलाते थे, प्रेम भाव था, और आके बैठते थे तो सब कोई मिल के बैठते थे उनके साथ। आज लोग से लोग के अंदर एक गैप, एक फासला, एक दरकिनार, एक गैप, एक बहुत बड़ा खाई बन गया है। क्यों? जिसके साथ रहेंगे ऐसा गुणधर्म आ जाएगा। सत्संगे तुम निसंग तुम, सत्संगे तुम निसंग तुम, मुद्गर भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये बड़ा 27 श्लोक का बात, 38-36 श्लोक का बात है, नहीं जाऊं। अपना घर, आप में से जो दुर्बुद्धि वाले हो, राक्षस प्रवृत्ति वाले हो, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट वाले हो, जर्सी भैंस होल्स्टन वाले गाय वाले हो, मजे से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक देवो जैसी होगी चिंतन व्यवहार चलन, अगर देवता बनना चाहते हो तो मिट्टी का घर में रहना सीख जाओ, अपने अहंकार और घमंड को छोड़ो। ठीक है, घर है लोगों को दिखाने के लिए, शान दिखाने के लिए, मेरा कोई एतराज नहीं, लेकिन अपने को स्वास्थ्यवान बनाना चाहते हो तो मिट्टी के घर में गोबर में लिख के ऊपर में पुआल और झाड़ डाल के एक महीना तो रह के देखो एक बार की शरीर से ऊर्जा कैसे बढ़ता है, शरीर से मर्मेट मैटर कैसे निकलता है, धूप के दिनों में भी एसी का मजा,
बिना एसी बिना फैन में ले को तो देख लेगा। हम बड़े बड़े भाषण मारे और खुद सीमेंट और कंक्रीट में रहने लगे, मिट्टी का घर में नहीं रहे, पुआल के घर में नहीं रहे, झाड़ के घर में नहीं रहे, मिट्टी का फर्ज में नहीं रहे, तो जीवन बेकार है।